Hello friends, today my topic is two-dimensional arrays. पिछली स्लाइड में हमने वन डायमेंशनल एरे के बारे में देखा था कि किस तरह हम उनको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी एलोकेशन पूरा का पूरा हमें अलोकेट हो जाता है जिसमें हम नंबर्स को स्टोर करते हैं। आज हम टू डायमेंशनल एरे के बारे में देखेंगे कि कैसे हम इनको डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उनके एलिमेंट्स को हम असेस करते हैं, कैसे वैल्यू को इनपुट करते हैं, कैसे आउटपुट दिखता है और क्या क्या ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं टू डायमेंशनल एरे पर। अब सबसे पहले देखते हैं कि टू डायमेंशनल एरे है क्या। अगर एक लिस्ट नाम का मैंने एरे लिया है, जैसे 4x4 का यहाँ डायग्राम में देखिए, तो ये 4 रोज और 4 कॉलम्स में इस तरह से नंबर स्टोर करके रखेंगे। तो ये 4x4=16 हमें ब्लॉक ऑफ मेमोरी अलोकेट होगा। तो ए टू डायमेंशन एरे इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम्स। इट हैज टू इंडाइसेस, वन फॉर रो एंड अदर फॉर कॉलम। फर्स्ट इंडेक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड सेकेंड इंडेक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी हम टू डायमेंशनल एरे लेंगे तो ये इस तरह से रोज और कॉलम्स में मेमोरी अलोकेट होगी। अब डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे डेटा टाइप आएगा जिस डेटा टाइप का हम एरे टू डायमेंशनल एरे लेना चाहते हैं, फिर एरे का नेम आएगा, फिर नंबर ऑफ रोज आएंगी, सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम्स आएगा जो इंटीजर कॉन्स्टेंट होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें डेटा टाइप इंटीजर है, लिस्ट एरे का नेम है और नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 4 है। तो ये इस तरह से इस डायग्राम में देखिए कि ये लिस्ट 0-0 एलिमेंट है, ये लिस्ट 1-1 का एलिमेंट है, ये लिस्ट 2-3 एलिमेंट है क्योंकि ये सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। और हमें पता है कि इनिशियलाइजेशन में हमेशा ये 0-0 लेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमेशा 0 होगा ना कि 1। ये स्ट्रक्चर ऑफ 2D एरे है। अब देखते हैं कि टू डायमेंशनल एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो देखिए, इंटीजर नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेना है, अगर मेरे को 15 कंपनीज के 9 डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के बारे में डेटा डालना हो तो ये इस तरह से लेंगे कि इंटीजर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 15 कंपनीज में कितने डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय हैं, तो ये एरे टू स्टोर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन 9 डिपार्टमेंट्स ऑफ 15 कंपनीज। इसी तरह फ्लोट मार्क्स 20 और 5 लिया है, यानी 20 स्टूडेंट के मैं हर एक के 5-5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कर सकती हूँ, और क्योंकि मार्क्स फ्लोट में हो सकते हैं पॉइंट्स में तो मैंने फ्लोट लिया। तो ये फ्लोट मार्क्स 20 ब्रेसेस में और 5 भी ब्रेसेस में, तो ये क्या शो कर रहा है कि एरे टू स्टोर मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन 5 सब्जेक्ट्स। ये फ्लोट टेम्परेरी 7 और 2 है, तो ये स्टोर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ ए सिटी फॉर ए वीक। ये टेम्परेचर है 7 डेज का और 2 मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू स्टोर करके रखे। इनिशियलाइजिंग ए टू डायमेंशनल एरे अगर हम देखें तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे टू डायमेंशनल एरे को। ए टू डायमेंशनल एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। इंटीजर लिस्ट 4 और 2 अगर मैं इस तरह से इनिशियलाइज करूं तो ये 4 तो मुझे रोज मिली हैं, रोज 1, 2, 3 एंड 4। ये लिस्ट नाम का एरे लिया है मैंने जो इंटीजर डेटा टाइप का है, और ये रोज 4 रोज हैं यहाँ पे, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4। 2 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, 20, 25, 20, 24, इस तरह से हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं। यहाँ ये लिस्ट नाम का एक एरे है जो इंटीजर स्टोर करके रखेगा और 4 इसमें रोज होंगी और 2 कॉलम्स होगा, तो ये इस तरह से दिखेगा लिस्ट। ये 0-0 एलिमेंट है, ये लिस्ट का 0-1 एलिमेंट है, ये 1-0 यानी यहाँ पे 4 रोज हैं, 1, 2, 3, 4 और 2 कॉलम्स हैं। We can also initialize in this way
हम इस तरह से भी ले सकते हैं, तो भी ये कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएं तो ये इनडायरेक्टली ये इसी तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा। इनिशियलाइज एंड अनसाइज टू डायमेंशनल एरे, अगर हम साइज ना भी बताएं और सीधा नंबर स्टोर कर दें तो भी वो इसी तरह से साइज ले लेगा जैसे हम लिख रहे हैं। ए टू डायमेंशनल एरे कैन ऑल्सो बी इनिशियलाइज्ड विदाउट प्रोवाइडिंग वन ऑफ द इंडेक्स वैल्यूज। We can skip the number of rows but not number of columns. This means only the first index can be skipped. हमें यहाँ पे rows skipped कर सकते हैं पर हमें column बताने पड़ेंगे, otherwise ये overlap हो जाएंगे. The second index must be given. Here the number of columns is 2 and the number of rows are automatically determined by the compiler based on the number of elements supplied. Assessing two-dimensional array element. अब two-dimensional array के elements को हम assess कैसे करते हैं? A two-dimensional array element can be assessed using two indices. In two-dimensional array, every element has two index numbers, one for row and other for column. Both the indexes start from zero. For assessing any item of the array, we just specify the array name along with the row index and column index inside square brackets format. यहाँ पे एरे का नेम आएगा, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स से हम कोई भी एरे के एलिमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखिए असेसिंग टू डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स कैसे हम असेस करते हैं। ए 3-3 का हमने एक एरे लिया है जिसमें ये मैट्रिक्स है 3x3 की, 9 इसमें टोटल नंबर है। तो ये अगर मैं काउंट 1-1 करूंगी तो ये डिस्प्ले 76 को लेगा क्योंकि ये 1 रो और 1 कॉलम का एलिमेंट है, और 2-0 करूंगी तो मैं ये 69 को करेगा क्योंकि ये सेकंड रो का 0 कॉलम का एलिमेंट है। इनपुटिंग वैल्यूज इनटू ए टू डायमेंशनल एरे, हम इनपुट वैल्यू को कैसे करते हैं? टू इनपुट वैल्यूज इन ए टू डायमेंशनल एरे वी यूज ए डबल लूप। हमेशा डबल लूप लगा के हमें करना पड़ेगा। वन तो एक तो आउटर लूप चलेगा, 0 से लेके 4 का आउटर लूप फॉर रो इंडेक्स एंड इनर लूप फॉर कॉलम इंडेक्स। इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से लेके 4 का आउटर लूप फॉर रो इंडेक्स एंड j इक्वल्स टू 0 से लेके 2 का, क्योंकि 0 से लेके 4 तो ये बार वाला लूप चल रहा है और 2 तक इनर लूप चल रहा है। इनपुट ऑर्डर विल बी रो वाइज। तो हमेशा जब भी हम टू डायमेंशनल एरे को यूज करेंगे तो दो लूप लगेंगे, एक आउटर लूप होगा रो इंडेक्स के लिए और एक इनर लूप होगा कॉलम इंडेक्स के लिए। डिस्प्लेइंग वैल्यूज ऑफ टू डायमेंशनल एरे, 4-2 इस तरह से हम डिस्प्ले करते हैं। टू डिस्प्ले एलिमेंट इन ए टू डायमेंशनल एरे वी यूज डबल लूप अगेन। डिस्प्ले के लिए भी सेम लूप लगेगा, एक आउटर लूप होगा जो रोज के लिए चलेगा और एक इनर लूप चलेगा जो कॉलम को शो कर रहा है। तो ये यहाँ 4 और 2 लिस्ट जो है, हमने इसमें 4 रोज और 2 कॉलम्स लिए हैं। तो इस तरह से अगर मैं 0 से लेके 4 तक आउटर लूप चलाऊंगी और इनर लूप चलाऊंगी 0 से लेके 2 तक और प्रिंट कराऊंगी एलिमेंट को लिस्ट आई जे, तो ये इस तरह से 2025 2022 4 लगेंगे। जैसे ही मेरी एक रो बदलेगी, मैंने स्लैश एन लगा दिया अंदर वाले लूप में, तो लाइन चेंज हो जाएगी ताकि हमें इस तरह से शो हो। अदरवाइज ये जैसे हैं इस तरह से ही शो हो जाएंगे अगर हम यहाँ पे स्लैश एन नहीं लगाते। तो ये स्लैश एन लगाया है टू डिस्प्ले ईच रो ऑन ए न्यू लाइन, ताकि जब भी रो चेंज हो जाए तो न्यू लाइन आ जाए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ऑपरेशंस देखेंगे कि किस किस तरह के ऑपरेशंस हम टू डायमेंशनल एरे पे कर सकते हैं, जैसे ट्रेवर्स कैसे करेंगे, सम ऑफ रो एलिमेंट और कॉलम एलिमेंट कैसे करेंगे। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी है या डायगोनल एलिमेंट्स निकालने हैं। तो ये ऑपरेशन ऑन टू डायमेंशनल एरे करके देखेंगे हम कि किस किस तरह से हम टू डायमेंशनल एरे पे कुछ ऑपरेशंस करें। ओके, थैंक यू।